दोस्तों इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, ठीक है, एक बार फिर से इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। देखो नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में वो बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग वो बिजनेस है जो बहुत तेजी से आपके आस पड़ोस में फैल रहा है। आपको पता चले या ना चले, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत तेजी से आपके आस पड़ोस में फैल रहा है। अगर आप इस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं जुड़े हैं तो जितनी जल्दी हो सके इस बिजनेस को स्टार्ट कर लीजिए। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास इसके प्रूफ्स हैं, मेरे पास इसकी आज की स्टैटिस्टिक्स है जो कि ये साफ साफ बोल रही है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना चाहिए। लेकिन क्यों करना चाहिए, इस चीज के ऊपर हम बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मेरी कोशिश रहेगी छोटी से छोटी वीडियो बनाकर उसमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की आपको कोशिश करूं। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप आज तक जो भी जानते हैं, जो भी आपने सुना है या जो भी आपका एक्सपीरियंस है, इस वीडियो को देखते समय थोड़ी देर के लिए उस इंफॉर्मेशन को, उस नॉलेज को थोड़ा सा साइड में रख के इस वीडियो को देखिएगा और देखिएगा कि क्या पॉसिबिलिटीज है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। ओके, आज ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग मैं क्यों करूं नेटवर्क मार्केटिंग। मैं तो जॉब करता हूं, मैं तो बिजनेस करता हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करूं, या मैं हाउसवाइफ हूं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करूं। तो ये कुछ एक क्वेश्चन है जिनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर जवाब देने वाले हैं। और एक बार दोबारा मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा दोस्तों, मैं आपके लिए पूरी की पूरी सीरीज बनाता हूं, ठीक है, और उसमें हम सारी क्वेरीज को क्लियर करते हैं। तो जितने भी लोग हैं आज पहली बार अगर हमारे चैनल पे आए हैं तो आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आइए बात करते हैं कि व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग, मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करूं। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर दोस्तों मेरे व्यूज अलग हो सकते हैं, आपके व्यूज अलग हो सकते हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोगों के व्यूज अलग अलग हो सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं जैसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, ऑब्वियसली वो लोग पॉजिटिव ही बोलेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं मार्केट में जो कि नेगेटिव भी बोलते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है या इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें एक्चुअली देखना ये चाहिए कि जो टॉप मोस्ट पीपल है इस दुनिया के या इंडिया के, उन लोगों का क्या कहना है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो आज मैं कुछ सक्सेसफुल लोगों की जिन्होंने इतिहास लिखे हैं, ऐसे कुछ सक्सेसफुल लोगों की कोटेशंस मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ, कलेक्ट की है मैंने, कि उनका क्या कहना है, ठीक है। एक एक करके हम उन्हें देखते हैं। सबसे पहले है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनके परिचय देने की मुझे जरूरत नहीं है कि वो कौन है, क्या है और क्या उनकी काबिलियत है, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का कहना है दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी विच मस्ट बी ज्वाइंड बाई एवरी मैन एंड वुमेन ग्लोबली, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। समझिए इस चीज को। और मुझे इनकी इस बात से एक चीज साफ नजर आती है जो इनका रीजन है ये कहने का, बिकॉज जो हमने स्कूल में पढ़ा या जो भी हम सीखते हैं स्कूल में, उससे हम सिर्फ जॉब करने वाले पर्सन बनते हैं। स्टडी पूरा करने के बाद हमें 99% लोग जॉब के पीछे भागने लग जाते हैं, जॉब ढूंढने लग जाते हैं। डॉक्टर साहब का ये कहना इसलिए है कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें इसलिए करनी चाहिए बिकॉज जिस लेवल की एजुकेशन हमें नेटवर्क मार्केटिंग से सीखने को मिलती है, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल, वो हमें स्कूल में नहीं मिलती। तो इसीलिए हर किसी को लाइफ में कम से कम एक बार नेटवर्क मार्केटिंग को जरूर करना चाहिए। उससे पता चलता है कि एक्चुअल पब्लिक डीलिंग क्या है, एक्चुअल रिलेशनशिप बिल्डिंग क्या है बिजनेस के अंदर इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अब हम बात करते हैं मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी की, बेस्ट सेलर, बेस्ट ऑथर हैं बिजनेस बुक्स के, इनके बारे में भी बताने की जरूरत नहीं है। इनका क्या कहना है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, ये कहते हैं कि रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड बिल्ड नेटवर्क, एवरीवन एल्स इज ट्रेन टू लुक फॉर वर्क। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो स्कूल्स में पढ़ाई होती है वो हमारी जॉब के लिए होती है, लेकिन
लेकिन जो रिचेस्ट पर्सन है वो क्या करते हैं, वो नेटवर्क बनाते हैं। इसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले हम देखते हैं कि बिल गेट्स साहब का क्या कहना है। बिल गेट्स साहब के बारे में भी बताने की जरूरत नहीं है, वर्ल्ड के जो रिचेस्ट पर्सन हैं उनमें से एक नाम आता है मिस्टर बिल गेट्स साहब का। तो उनका क्या कहना है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, वो कहते हैं कि इफ आई वुड गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों बिल गेट्स साहब को कौन नहीं जानता, वो खुद कहते हैं कि अगर मुझे अपने जीवन में सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़े तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से अपने जीवन को दोबारा स्टार्ट करूंगा, क्योंकि उनको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मुकेश अंबानी साहब है, मुकेश अंबानी साहब ने अपना एक नेटवर्क बिछाया जिसको हम जियो के नाम से जानते हैं, उन्होंने मोबाइल नेटवर्क बिछाया है फॉर एग्जाम्पल। अब उनके पास क्या है, आज की डेट में 30 मिलियन इंडियन जुड़ गए, ठीक है, लोग जियो का कनेक्शन यूज कर रहे हैं। और अगर आज के डेट में मुकेश अंबानी साहब को एकदम से जरूरत पड़ जाती है 150 मिलियन रुपीज की, इंडियन रुपीज की हम बात करते हैं, तो यहां उनको क्या करना पड़ेगा, उनको सिंपली 5 रुपए का ऑफर निकालना है, जस्ट 5 रुपीज का ऑफर निकालना है और उसको अपने 30 मिलियन यूजर्स को ऑफर कर देना है। जब ये 30 मिलियन लोग उस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे तो देखिए 150 मिलियन रुपीज सीधा सीधा मुकेश अंबानी साहब के पास पहुंच जाता है। दिस इज पावर ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी ऐसा ही होता है दोस्तों, जब आपका एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जब आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है, तो पूरे नेटवर्क से अगर एक एक पर्सन आपके लिए एक एक दो दो रुपए की सेल भी निकालता है तो आपके पास मंथली लाखों रुपए इकट्ठे होते हैं। ऐसा ही होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। अभी और भी कुछ कारण होंगे कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करना है, तो आइए वो भी देखते हैं। दोस्तों दुनिया में तो था ही, इंडिया में भी ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कर्नाटका यूनिवर्सिटीज के अंदर इसको पढ़ाना शुरू कर दिया गया नेटवर्क मार्केटिंग को, और अभी पिछले 2 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटीज में भी इसको एज अ सिलेबस ले लिया गया है, पढ़ाना शुरू कर दिया गया है। इसका कारण क्या है कि आने वाले 2-3 सालों के अंदर $1 बिलियन का बिजनेस इंडिया में पड़ने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, जिसकी टर्नओवर अराउंड 25 बिलियन INR आकी गई है, यानी कि 2025 तक 25 बिलियन INR का ये बिजनेस बन जाएगा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बन जाएगा इंडिया के अंदर। देखो कितनी बड़ी पोटेंशियल है, कितनी बड़ी पॉसिबिलिटीज है इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अभी नेटवर्क मार्केटिंग के 5 ऐसे बेनिफिट्स की मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ जिनको जानने के बाद आपको लगेगा कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग हर किसी को जरूर करना चाहिए, या कम से कम मुझे तो करना चाहिए ऐसा आपको फील आएगा। ऐसे बेनिफिट्स मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बताने वाला हूँ। तो पहला जो इसका बेनिफिट है वो है इमीडिएट स्टार्ट। यस, इमीडिएट स्टार्ट, ये पहला बेनिफिट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको पहले शोरूम लेना पड़ेगा या रेंट भरना पड़ेगा, फिर उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, उसकी फिटिंग करनी पड़ेगी, देन आपको पूरा काफी सारा माल उसमें डालना पड़ेगा, तो जाके कहीं आपकी बिक्री स्टार्ट हो पाएगी, आपकी कुछ सेल वहां से स्टार्ट हो पाएगी। समझ में आ गया, ये सारी प्रोसेस में आपका बहुत सारा टाइम, काफी सारा पैसा लगेगा, मतलब लाखों रुपए लगा के आप एक दुकान या एक शोरूम स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये शोरूम स्टार्ट करने के बाद क्या गारंटी है कि वो बिजनेस चलेगा, अगर चल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं चल पाता तो देखो आपका कितना बड़ा नुकसान है। नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल उल्टा है, आपको थोड़ा सा पैसा लगाना है, थोड़ा टाइम देना है और आपका बिजनेस साथ के साथ स्टार्ट हो जाता है। आपने एक फॉर्म भरा, आपने डॉक्यूमेंट दिए, जो भी एक मिनिमम परचेज है 1,000-2,000 रुपए की होती है या वो 5,000-7,000 की भी हो सकती है, ये भी कोई लाखों की बात नहीं हो रही है, थोड़े से अमाउंट के साथ इमीडिएट स्टार्ट कर सकते हो। आज आपने ऑर्डर डाला, आज इस प्रोडक्ट को आप रिटेल कर दीजिए, आपके पास उसका प्रॉफिट आ गया, मींस आपका जो बिजनेस है वो एकदम से स्टार्ट हो गया। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में एक बहुत अच्छा एक और बेनिफिट है, वो क्या है कि अगर दुकान खोलनी है तो लाखों रुपए लगाने के बाद भी बहुत सारी सिरदर्दी भी उठानी पड़ती है, ओवरहेड, बहुत सारी कॉस्ट उसमें जुड़ जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं है, आपने एक मिनिमम ऑर्डर डाला, बिजनेस के साथ एसोसिएट हुए, आपने उसी प्रोडक्ट को रिटेल किया, तो आपका बिजनेस साथ ही साथ स्टार्ट होता है, कोई ओवरहेड कॉस्ट आपको नहीं पड़ती, आपको कोई खर्चा नहीं पड़ता, आपको सिर्फ प्रोडक्ट रेफर करना होता है इसमें,
लोगों को उसके बारे में बताना होता है, बंदे नहीं जोड़ने हैं, बंदे जोड़ोगे तो बिजनेस नहीं चलने वाला। ये एक प्योर लिटरल बिजनेस है, इसे बिजनेस की तरह कीजिए, अंडरस्टैंडिंग के साथ कीजिए। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग या MLM बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग, इसमें इन्वॉल्व होने के बहुत सारे रीजंस हैं। मैं आपको एक और एक बहुत सॉलिड रीजन इसमें बताना चाहता हूँ। आप कोई भी लोकल बिजनेस जब करते हैं तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग कोई नहीं देता, समझ में आ रहा ना, लोकल बिजनेस के लिए आपको कोई भी ट्रेनिंग नहीं देता। जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है उससे हम जॉब करते हैं, यानी कि बिजनेस करने के लिए ट्रेनिंग नहीं मिल रही, और जिस चीज की हमको ट्रेनिंग मिल रही है, जो चीज हमें सिखाई जा रही है, उससे हम बिजनेस नहीं कर सकते, उससे हम सिर्फ जॉब कर सकते हैं। बट जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो कंपनीज आपको यहाँ पर ट्रेनिंग देती है, बिजनेस बिल्ड करने की ट्रेनिंग देती है, जो कि ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। कुछ कॉस्ट लगती भी है, लेकिन वो तब लगती है जब आप हायर ट्रेनिंग में जाते हैं, बट इनिशियली सारी ट्रेनिंग लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। वो ट्रेनिंग आपको सिखाती है कि बिजनेस को कैसे बिल्ड किया जाए। और ऐसा क्यों होता है, क्यों फ्री ट्रेनिंग होती है, क्योंकि देखो आपका काम जब बढ़ेगा तो कंपनी को प्रॉफिट आएगा, और कंपनी को प्रॉफिट आएगा तो उसी में से आपका एक शेयर आपको मिलने वाला है। तो कंपनी चाहती है आपको मैक्सिमाइज करना, आपको आपके फुल पोटेंशियल पर लेकर जाना, आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग देना। तो हमारा जो इसमें बेनिफिट है वो है ट्रेनिंग्स मिलना। वो ट्रेनिंग्स मिलती है जो हमें लोकल स्कूल के अंदर, हमारी एजुकेशन के अंदर हमें नहीं मिल पाती। नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है हमारी रेसिडुअल इनकम, यानी पैसिव इनकम। दोस्तों जब हम कोई बिजनेस करते हैं या कोई जॉब करते हैं तो जितना हमने काम किया होता है उतने का ही पैसा मिलता है। जो हमने एक बार बिजनेस कर लिया, एक बार हमारे पास इनकम आ गई। बट नेटवर्क मार्केटिंग में उल्टा होता है, जो आपने एक बार नेटवर्क सेटअप कर लिया, इनकेस आप एक महीना दो महीना उससे गायब भी रहे तो भी आपके पास पैसा लगातार आता रहता है। आप वैकेशन पे हैं या फैमिली के किसी कारण से आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, एक महीना दो महीना आप इन्वॉल्व नहीं है, बट आपकी टीम काम करती रहती है और वो पैसा आपको देती रहती है, वो पैसा आपके पास आता रहता है। ये ब्यूटी है नेटवर्क मार्केटिंग की। जो लोग इस फील्ड में हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ के 3 से 5 साल इस फील्ड को दे दिए हैं, वो लोग इस ब्यूटी को एंजॉय कर रहे हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग के 5वें फायदे की हम बात करते हैं, 5वें रीजन की बात करते हैं कि आपको क्यों करना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में। जब भी हम इन्वॉल्व होते हैं तो हमारा कोई ना कोई रीजन तो होता है, हर किसी का पर्सनल रीजन होता है, कि कुछ लोगों का पैसे रीजन है, कुछ लोगों को जॉब सिक्योरिटी चाहिए, कुछ लोगों को पार्ट टाइम इनकम चाहिए, ये सारा कुछ होता है। बट ये सबके साथ एक बहुत अच्छा बेनिफिट जुड़ा हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वो कैसे, देखिए अगर आप एक शॉप खोलते हैं तो आपका बिजनेस एक मोहल्ले तक, एक सिटी तक, ज्यादा से ज्यादा एक स्टेट तक सीमित रह जाता है, और आपको बहुत ज्यादा सर्विस भी देनी पड़ती है। अगर आपको पूरे स्टेट को कवर करना है तो आपको कुरियर का देखना पड़ेगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन का देखना पड़ेगा, वो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, सही है। बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना होता है, आप सिर्फ एक बार अपने साथ किसी को एसोसिएट कर लीजिए, उसको बेसिक ट्रेनिंग हो जाए, उसके बाद वो खुद से खुद काम करता रहता है। यही ब्यूटी है इस फील्ड की, कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आपने किसी को एक बार प्लग इन कर दिया सिस्टम में, वो ऑटोमेटिक बंदा काम करता रहता है और आपके पास पैसा आता है। आप बाउंड्रीज को ब्रेक कर सकते हैं, बिकॉज सारी की सारी सर्विस जो ओवरहेड खर्चे हैं वो सारे कंपनी के हैं। कंपनी ने कुरियर करना है, कंपनी ने ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करनी है, कंपनी ने प्रोडक्ट मैनेज करने हैं, कंपनी ने डिलीवरी करनी है, सारा का सारा जो अकाउंटेबिलिटी है वो कंपनी ने देखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना नेटवर्क क्रिएट करना है और उसके एजुकेशन सिस्टम के साथ प्लग इन करना है। जब वो सीख जाएगा अपना बिजनेस वो डेवलप करेगा, और जैसे जैसे उसका बिजनेस डेवलप होगा आपका बिजनेस भी डेवलप होगा। उसकी टीम बढ़ेगी, आपकी टीम भी बढ़ेगी, उसकी इनकम बढ़ेगी, आपकी इनकम डेफिनेटली बढ़ेगी। तो ये है ब्यूटी इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। आप इंडिया में एक कोने से बैठ के इंडिया के दूसरे कोने तक बिजनेस को फैला सकते हैं, दुनिया के एक कोने में बैठकर दुनिया के दूसरे कोने में अपना बिजनेस फैला सकते हैं। ये ब्यूटी है नेटवर्क मार्केटिंग की, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको सिर्फ प्लग इन करना है, ट्रेनिंग देनी है, या उनको ट्रेनिंग में इन्वाइट करना है। ऑनलाइन ट्रेनिंग के बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। जैसे जैसे आपकी टीम के लोग ट्रेंड होते चले जाते हैं, आपका बिजनेस बिल्ड होना शुरू हो जाता है। दोस्तों ये सारे फायदे हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के।
तो मेरा मानना है कि अब तक आप सबको समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बेसिक इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स क्या हैं और इंडिया में इस बिजनेस का फ्यूचर क्या है। इसीलिए मैं दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू नहीं किया है तो आज भी अभी इसी वक्त उस व्यक्ति से संपर्क कीजिए जिन्होंने ये वीडियो आपसे शेयर की है, उनसे मिलिए, वो आपको बताएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैसे शुरू करना है और आज भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू कीजिए ताकि आपका परिवार भी दूसरों से पीछे ना रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।